हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के 13 जून का पेपर पूरा फुल सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब अगला एग्ज़ाम देंगे, अगला मतलब जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, वो बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से पेन कॉपी लेकर के एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हुए देखेंगे तो एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से पेपर आ रहा है और कैसे पेपर आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 13 जून वाला ये साल्व करने के बाद फिर तुरंत आपको जो है जल्द ही 14 जून को जो है 14 जून वाला भी अभी आपको एक डेढ़ घंटे में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ना समय गंवाते हुए जल्दी जल्दी एक एक प्रश्न को अच्छे से साल्व करते हैं। देखिए क्या करें, यक्ष की आय वाई की आय से 20% ज़्यादा है। चलिए तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं यक्ष और ये वाई, ठीक है, 20% ज़्यादा है तो वाई की आय यक्ष की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। अब देखिए प्रतिशत कमी निकालनी है तो कैसे हम लोग निकालते हैं, कमी गुणे 100 बटे प्रारंभ में जो मान था, है ना। यदि कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही तो वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभ में जितना था, यही करते हैं ना। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, वही काम हमको करना है। मान लेते हैं वाई की आय जो है ये 100 है, वाई की आय कितनी है 100 रुपये है, तो प्रतिशत देखिए 100 प्रतिशत जो है 100 में निकालते हैं ना, तो इसको हमने मान लिया वाई 100 रुपये है तो यक्ष की आय कितनी हो जाएगी, 20% ज़्यादा ना, 100 में 20 ज़्यादा तो ये हो जाएगी 120। अच्छा अब इसको काट देंगे हम लोग तो 0 से 0 कट गया, ये 10 बचा, 12, 5 आ गया, ये 6 आ गया जब काटेंगे, है ना। तो जब वाई की आय 5 है तो यक्ष की आय जो है 6 हो जाएगी। ध्यान समझिए, अभी बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आप चुटकियों में लगाएंगे देख करके, देखिए इसमें कुछ है नहीं, इतना आप सेकंडों में मन में ही कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, तो वाई की आय यक्ष की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अब वाई यक्ष से कितना कम है, एक कम है, कितना कम है, एक कम है, गुणे 100, कमी गुणे 100 बटे प्रारंभ में कितना था, ये 6 हो गया, ठीक है। अब यही काट दीजिए भैया, जो आना है आ जाएगा, है ना, 2 से काटिए आएगा आपका 50 और ये बटे 3, अभी जो भी है 16 / 3 = 48 16 कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से ये साल हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ax² + bx + c = 0 को के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है भैया, तो मूल एक अल्फा है, दूसरा इसका व्युत्क्रम हो गया, तो मूलों का गुणनफल हम जानते हैं -b/a, या कह लीजिए माइनस क्या होता है, यक्स का गुणांक बटे क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यही ना, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करिए भाई, क्या होगा, मूलों का गुणन एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो ये काटेंगे तो एक आएगा ना, व्युत्क्रम है तो गुणनफल एक होगा। अब यहाँ से निकालिए -b/a = 1, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा a = -b, ठीक है, ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन इसका सही हुआ, ठीक है। व्युत्क्रम है तो गुणनफल एक होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/1, और गुणनफल होता है -b/a, -b/a हमने कर लिया, गुणनफल एक कर दिए आ गया, ठीक है। चलिए इतना समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ये देखिए एक शंकु की त्रिज्या, देख पा रहे हैं, एक शंकु की त्रिज्या जो है r = 7 सेमी, त्रिज्या r = 7 सेमी, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी l = 15 सेमी, ठीक है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना, तो शंकु का वक्रपृष्ठ जो है वो क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr l, खत्म कहानी, ठीक है। पाई कितना हो गया, पाई लिख लीजिए, r कितना है 7, l का मान 15, तो बस गुणा कर दीजिए आ गया आपका, ठीक है। या पाई को हटाना है तो इसको करिए 22/7 × 7 = 15, जैसा ऑप्शन रहे, ये 7 काटिए, 15 × 30 = 33, इतना वर्ग सेमी आ गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, ये इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये px = इतना है तो p-1 का मान बताइए, देख पा रहे हैं,
पी यक्स, यक्स की जगह हमको क्या लिखना है माइनस वन, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं पी यक्स। अब यक्स की जगह यहाँ हमको ये प्रश्न पहले लिख दें प्लस 51, ठीक है। अब यहाँ पी एक्स बराबर इतना है तो p माइनस वन कितना होगा, यहाँ लिखेंगे माइनस वन पावर 51 प्लस 51, ठीक है। अब ये देखिए माइनस वन की घात विषम संख्या है तो ये आएगा माइनस वन और ये आपका है 51, ठीक है। 51 में से एक घटाइए आ गया 50, ठीक। तो p माइनस वन का मान 50 हो गया। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु अल्फा बीटा की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु अल्फा बीटा की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी भाई, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए दो बिंदु यदि यक्स वन वाई वन और दूसरा यक्स टू वाई टू है, ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो क्या होती है, अंडर रूट यक्स वन माइनस यक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, मूल बिंदु कितना होता है जीरो जीरो, ठीक, तो अल्फा माइनस जीरो का स्क्वायर, अल्फा माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया कितना, ये बन गया अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, तो कैसे साल्व होगा ये आपको जानना जरूरी है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये यही प्रश्न हो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो आप कैसे साल्व करेंगे ये सीख लेंगे तो जो भी आएगा उसको आप आसानी से साल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या करें, बिंदु एक चार की यक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हम ये इस प्रकार बना लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ये बिंदु कहाँ होगा, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, चलिए पाँच तक लिख देते हैं। अब ये एक कामा चार, यक्ष अक्ष पर एक वाई पर चार, यही बिंदु मिलेगा ना, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, एक कामा चार है। अब इसकी यक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात करनी, ये है यक्ष अक्ष, तो यक्ष अक्ष से कितना दूर है, देखिए ये वाला यक्ष अक्ष से कितना दूर है, यक्ष अक्ष से चार इकाई दूरी पर है, ठीक। चलिए तो ये चार इकाई पर दूरी, अगर पूछता वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है तो हम कहते चार, तो यहां से याद रखिए कि यक्ष अक्ष पर दूरी बराबर होता है वाई का निर्देशांक यानी चार, ठीक है। अगर यही पूछेगा वाई अक्ष से दूरी बताइए तो यक्ष का मान लिखेंगे यानी एक, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अब इसके बाद इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये देखिए इसमें कह रहे हैं 9 की घात यक्ष बराबर 9 बटे 3 की घात यक्ष, तो यक्ष का मान निकालिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 और इस पर घात है यक्ष, अब इधर यहाँ लिखेंगे 3 की घात 2 और नीचे 3 की घात यक्ष है, अब यहाँ लिख देंगे 3 की घात 2 यक्ष बराबर 3 की घात 2 माइनस, अब इसको यक्ष जो है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि होता है लॉग यम माइनस यन इज इक्वल टू लॉग यम अपान यन यक्ष पावर यन, ठीक है। इसका उल्टा भी होता है, देखिए याद आप लोग ऐसे किए होंगे ना, यक्स पावर यम अपान यक्स पावर यन इज इक्वल टू यक्स पावर यम माइनस यन, ठीक है, यक्स पावर यम इंटू यक्स पावर यन इज इक्वल टू यक्स पावर यम प्लस यन, ठीक, ये चीज़ें। तो अब देखिए ये बटे में है तो घात घट जाएगी ऊपर जाएगा, अब ये देखिए आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होंगी, तो ये आपका आ गया दो यक्स बराबर दो माइनस यक्स, इस माइनस को इधर लाइए तीन यक्स हो गया, तीन यक्स बराबर दो, तो यक्स बराबर दो बटे तीन, ठीक है। चलिए अगला देखें इसके बाद, अब ये प्रश्न वाव क्या बात है, ये देखिए इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, sec a इज इक्वल टू cosec a माइनस 30 अंश, तो a का मान बताइए, यदि 5 a न्यून कोण है, अच्छा तो a का मान निकालना, तो a का मान निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो क्या है, सेक को कॉस में बदल कोसेक में बदलिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है,
सेक देखिए क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा का होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का होता है सेक थीटा, या फिर इसको लगाइए या फिर इसको, जो मन करे कोसेक को सेक में बदल लीजिए या फिर सेक को कोसेक में बदल लीजिए। तो सेक को कोसेक में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, कोसेक 90 माइनस क्या 5a, अच्छा 5a यही ना। अब बराबर ये आपका आएगा कितना, ये साफ साफ लिख दें फिर से, ये क्या है सेक 5a को हम क्या लिखेंगे, कोसेक 5a बराबर, और इधर आपका कोसेक a माइनस 30 ये बचा हुआ है। अब कोसेक कोसेक हटाइए, मान निकालिए 5a बराबर a माइनस 30। अब ये 5a a को इधर करिए माइनस हो गया, ये आ गया आपका 30, इसको घटाइए तो कितना आएगा, दो ए कितना 3a बराबर इधर 30 है ठीक है, तो ये बन जाएगा a बराबर 30/3 आएगा यानी 10 ठीक, ये वाला सही होगा 10 वाला ऑप्शन, जो जिसमें 10 होगा वही सही होगा। चलिए अगला देखिए फिर, ये क्वेश्चन साइन थीटा बराबर ए बटे बी, तो कोसेक थीटा का मान निकालना है, देख पा रहे हैं, चलिए सॉल्व करिए। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आपको याद है ना ट्रिक, लाल बटे काका है ना, साइन कॉस टैन, तो लंब कर्ण है ना, तो आधार निकाल लीजिए, आधार क्या होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग ठीक है, तो सब मिल गया। कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान कर्ण कितना है बी, बस यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा। जो बच्चे ये वाला सही लगा के आए हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, अब ये प्रश्न है, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं भाई, सॉल्व करिए इसको, 1/27 है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 है ना, क्या लिखेंगे 1/3 ये आपका 3 और घात 3 हो गया। अब देखिए घात पर घात है तो घात का गुणा हो जाता है, तो -2/3 ये 3 कट गया, अब माइनस में है तो ये आपका हो जाए देखिए 1/3 × -2 माइनस में है तो ये 3 ऊपर हो जाएगा 3 की घात 2 तो आ गया 9 ठीक है, समझ गए, नहीं समझ में आया तो देखिए और देख लीजिए, देखिए 3 1 की घात कुछ करेंगे 1 ही आएगा, 3 की घात कितना -2 करना पड़ेगा, अब ये घात ऊपर जाएगी तो 3 की घात 2 हो जाएगी ना भैया, 9 हो गया ठीक। चलिए अगला देखिए, अब ये प्रश्न तो बहुत बड़ा हो गया जी, ला ला। चलिए क्या कर रहे हैं, रूट इतना, अब ये जो है √2 = इतना, तो 1/√2 का मान निकालना, तो क्या करिए देखिए 1/√2 निकालना है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो ये आएगा आपका √2/2, √2 की वैल्यू 1.414 दिए हैं अपान 2, 2 से काटिए 0.707, ये वाला ऑप्शन सही होगा ठीक, कितना आसान है। चलिए अगला देखते हैं, ये प्रश्न, इसमें n पदों का योग निकालना, देखिए पहला पद इतना दूसरा इतना इस प्रकार से है, तो इसको जो है थोड़ा सा सरल करके लिख लेते हैं, देखिए ये √2 है लिख दीजिए, प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 × 4 × 8 ठीक है, प्लस 18 को क्या लिखेंगे 6 × 18 ना, तो 2 × 3 = 6 × 18 ये हो गया, और प्लस ये आएगा 32, तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 ठीक है, प्लस डॉट डॉट कितनी बार, n बार, तो n पदों का योगफल निकालना, तो n बार ठीक है, n बार है, n पदों का योगफल निकालना है, तो क्या करें भाई इसको सरल कर लीजिए थोड़ा सा, क्या लिखेंगे √2 और प्लस 2, देखिए जोड़ा में बाहर होगा 2√2 और प्लस ये 3 बाहर हो गया
तीन रूट टू और प्लस ये दो बाहर हुआ, दो दूना चार, फोर रूट टू प्लस डॉट डॉट, यन पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए सब में रूट टू का अंतर है ना, या समांतर श्रेणी में है, तो प्रथम पद ए बराबर आएगा रूट टू और सर्वांतर डी बराबर होगा टू रूट टू माइनस रूट टू, ये आ गया आपका रूट टू, ठीक है। और यन की जगह तो यन ही रखेंगे, तो फार्मूला लगा दीजिए इसमें क्या होगा, यस यन इज इक्वल टू यन बाई टू टू ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू पुट करिए, यन की जगह तो यन ही रहेगा, टू इंटू ए की जगह रूट टू प्लस यन माइनस वन इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे, वो भी रूट टू हो गया, यही सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा यन बाई टू, अब ये टू रूट टू प्लस टू अंडर रूट टू यन माइनस रूट टू, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए तो कितना बनेगा, यस यन इज इक्वल टू यन बाई टू टू रूट टू, अच्छा ये टू रूट टू में से एक रूट टू घटा दीजिए तो कितना बन जाएगा, ये आपका आ गया रूट टू माइनस प्लस रूट टू यन, ठीक है, इतना आंसर लिख सकते हैं आप, ठीक है। या मन करे तो रूट टू इसमें से कॉमन ले लीजिए, रूट टू अपान टू और ये बचेगा यन, ठीक है, ये वाला यन और फिर इधर यन प्लस वन, ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इसको सॉल्व करिए कैसे होगा, ये 50 है ना, तो इस 50 को कैसे तोड़ेंगे, 25 दूनी 50 होता है, दो गुड़े पाँच गुड़े पाँच और फिर गुड़ा में है ये आपका 72 लिखेंगे, 36 दूनी 72 तो दो दूना चार दूना आठ तियाँ 24 तियाँ 72, ठीक। चलिए जोड़ा में जो होता है बाहर हो जाएगा 5 रूट टू और इधर ये तीन बाहर हुआ दो बाहर हुआ, तीन दूना छः, छः रूट टू, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए भाई, पाँच छक 30, ये हो गया रूट टू का रूट टू में करेंगे आएगा टू, आएगा उत्तर 60, ठीक। कितना आसान प्रश्न है। चलिए यदि आपने पिछले वीडियो जो है जो हमने बनाया, बहुत ज़्यादा तो हमने पढ़ाया नहीं, जितना पढ़ाया उसी में से देखिए आ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं साइंस वाला तो जो है वही वही क्वेश्चन कुछ आ गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वही आ गए हैं, तो जितना वीडियो है आप लोगों के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले में तो वो ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जो पॉलीटेक्निक का इम्पोर्टेंट करके हमने बनाया है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत हेल्प मिलेगी इससे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये क्या कह रहे हैं भैया, यदि त्रिभुज के बिंदु इतना, त्रिभुज के बिंदु ये, ओहो एक बिंदु छूट गया है। चलिए तो तरीका आपको बता दे रहे हैं, लगा लीजिएगा। देखिए यदि त्रिभुज के ये बिंदु तथा यहाँ कुछ और था, मान लीजिए जो भी था, इतना केंद्रक ये है तो तीसरा बिंदु बताइए, तो तीसरा बिंदु निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तीसरा बिंदु मान लीजिए यक्स वाई है, ठीक है, तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक यक्स वाला पहले जोड़ देते हैं, यक्स वन यक्स टू प्लस यक्स थ्री बटे तीन और फिर वाई वाला वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे तीन। ये बात समझ में आई नहीं आई, देखिए यक्स वन वाई वन एक बिंदु है, दूसरा यक्स टू वाई टू है, तीसरा यक्स थ्री वाई थ्री, ये तीनों शीर्ष यदि हैं तो यक्स वाला जोड़ करके बटे तीन कर लीजिए, वाई वाला जोड़ करके बटे तीन कर लीजिए, यही होता है केंद्रक, ठीक है। अब केंद्रक कह रहे हैं कितना, छः, यानी यक्स वाला मान छः है, तो अब इन दोनों बिंदुओं देखिए यक्स वन यक्स टू ये हो गया आपका, तो ये चार दो छः डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। चलिए आपको समझा के लिखते हैं, यक्स का मान यहाँ चार यहाँ दो, चार प्लस दो, अब जरूरी नहीं यहाँ जो भी रहे अपना लिख लीजिएगा। अब तीसरे बिंदु का निर्देशांक यक्स हम कर ले रहे हैं बटे तीन, यही सॉल्व कर लीजिए यक्स का मान आ जाएगा, ठीक। कितना होगा, छत्तीस अट्ठारह माइनस अट्ठारह, मान लो अगर ये प्रश्न है तो चार दो छः प्लस यक्स, तो यक्स बराबर इधर माइनस अट्ठारह माइनस छः, तो हो जाएगा आठ छः चौदह चौबीस, ठीक है, माइनस चौबीस। इस प्रकार से यहाँ वाई का मान भी आप निकाल सकते हैं, कैसे, छः प्लस पाँच प्लस वाई बटे तीन बराबर कितना हो जाएगा, केंद्रक कितना करें आठ, यही सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा, ठीक, ये तरीका सॉल्व करने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
सर्वांग समता कसौटी, सर्वांग समता कसौटी नहीं है। देखिए सर्वांग समता के लिए कंडीशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि यदि दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम है, क्या है, सर्वांग सम है, यदि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो क्या होता है भाई, ए बी सी इधर पी क्यू आर, ठीक है, तो सर्वांग सम है तो संगत कोण बराबर होता है, संगत भुजाएं बराबर होती, सब कुछ बराबर होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए क्या होना चाहिए कि सर्वांग समता के लिए तीनों भुजाएं बराबर हों तो भी होता है, लेकिन तीनों कोण यदि बराबर हों, तीनों कोण यदि बराबर हों तो वह सर्वांग सम नहीं होता है, ठीक है। ये सब जो है सर्वांग समता के लक्षण हैं, तो ये सभी जो है सर्वांग समता की कसौटी पर उतरते हैं। मतलब ये अगर दो भुजाएं बराबर हों, एक कोण बराबर हों तो सर्वांग सम होता है, दो कोण एक भुजा बराबर हो तो भी सर्वांग सम होता है, दो कोण एक भुजा, वही चीज़ लिखा है ना, दो भुजाएं एक कोण, ये पहला और डी वाला वही सेम बात है ना, तीनों कोण बराबर होते हैं तो सर्वांग सम नहीं होता है, समरूप होता है, ठीक है। समरूप होने के लिए क्या होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण का, तीनों कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। समरूप में ध्यान से याद रखिए भाई, समरूप में क्या होता है, तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और सर्वांग सम में क्या होता है, तीनों कोण और तीनों भुजाएं सब बराबर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात समझ में आई, इसमें कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, कुछ इधर उधर हो गया होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं, सात से विभाजित होने वाली, क्या कह रहे हैं, सात से विभाजित होने वाली तीन अंकों की संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो सात से विभाजित होने वाली कौन सी हैं या कितनी संख्याएं हैं, ऐसे करके होगा प्रश्न, ठीक है, कितनी संख्याएं सात से विभाजित होने वाली हैं तीन अंक की, तो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, सौ। अब ये सात से तो कटेगी नहीं, तो सात से नहीं कटेगी, सात दूनी चौदह, और अच्छा सात एकम सात पहले करिए, इसको काट देखिए, सात एक के सात तीन दस तीस हो गया, सात चौक अट्ठाईस, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस दो तीस, तो दो शेष बच गया इसमें, है ना, दो शेष बच गया, तो सात दो नौ अगर हम यहाँ कर दें, चलिए भाग देके आपको समझाते हैं अच्छे समझ में आएगा, सात एक के सात तीन जीरो, ठीक है। अब सात तरीक सात चौक अट्ठाईस, सात पचे पैंतीस, ना सात पचे पैंतीस, अगर यहाँ पैंतीस होता यानी पाँच बन जाता तो ये काम हो जाता हमारा, तो इसका मतलब 105 जो है वो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या है जो सात से विभाजित हो जाएगी, ठीक, कौन है 105, इसके बाद 112, इसी प्रकार से ऐसे आता जाएगा। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है, नौ। अब नौ में सात से भाग दे करके चेक करिए, सात एक के सात दो बचा, सात चौक अट्ठाईस, यहाँ बचा एक, नौ सात तरीके कई ज़्यादा हो जाएगा, सात दूनी चौदह, यहाँ बचा पाँच, ठीक है, इसी में से पाँच कम कर लीजिए, पाँच कम कर लीजिए तो कट जाएगा, पाँच कम कर लेंगे तो कितना बनेगा, नौ नौ चार, ठीक है, नौ नौ चार, अगर यहाँ चार होता तो यहाँ चार उतारते, सात दूनी चौदह कट जाता, समझ गए। चलिए जैसे हमने बताया, यदि नहीं समझ में आया थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए तो सबसे बड़ी संख्या तीन अंक की कौन है जो सात से विभाजित होगी, नौ नौ चार। अब इसमें जो है कितनी संख्याएं हैं, यदि पूछा जा रहा है कितनी संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, ए का मान देखिए 105 पहली संख्या, और सर्वांतर निकालते हैं 112 माइनस 105, अब इसको घटा दीजिए आ गया सात, ठीक है। तो मान लीजिए यन संख्याएँ हैं, तो यनवा पद के लिए फार्मूला होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। अब यनवा पद यानी अंतिम पद कौन है, नौ नौ चार, ठीक है, यनवा पद, यनवा पद समझिए, एक दो तीन चार पाँच, कितने पद हैं, चार पद हैं, चौथा पद कौन है, चार है, समझ पा रहे हैं, दो चार छः मान लीजिए लिख रहे हैं, तो कितने पद हैं, तीन पद हैं, तीसरा पद कौन है, छः है, अंतिम पद कौन है, छः है, यानी अंतिम पद ही, अंतिम पद ही यनवा पद होगा, पदों की संख्या जो होगी वही अंतिम पद होगा, पदों की संख्या कितनी है, तीन, यानी तीसरा पद अंतिम पद होगा, पदों की संख्या कितनी है, तीन, तो अंतिम पद ही, तीसरा पद ही अंतिम पद होगा, पदों की संख्या कितनी है, चार, तो चौथा पद ही अंतिम पद होगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक। चलिए तो अंतिम पद इसमें कौन है, नौ नौ चार, तो अंतिम पद जो है हम मान ले रहे हैं नौवां पद है, कौन था, यनवा पद है, यनवा पद नौ नौ चार है,
तो यही पदों की संख्या होगी, यन पदों की संख्या होगी। ए का मान कितना, 105 प्लस यन माइनस वन इंटू डी का मान कितना लिखेंगे, 7। यही सॉल्व कर लीजिए, काम हो जाएगा, यन का मान आ जाएगा, पदों की संख्या आ जाएगी। अब पदों की संख्या मिल गई, यदि योग पूछा जा रहा है तो यस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करके सॉल्व कर लेंगे तो पदों का योग भी आ जाएगा। 7 से विभाजित होने वाली तीन अंकों की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, यदि ये पूछा जाए तो इसमें फार्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितनी संख्याएं हैं ये मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब तो बहुलक माध्यक क्या करें, बहुलक माध्यक माध्य ठीक है में सही संबंध क्या है, बहुलक माध्यक और माध्य में सही संबंध। देखिए आपको याद करने की ट्रिक बता दें, देखिए बहुलक में 4 अंक है और माध्यक में 3 अंक है, माध्य में 2 अंक है, काम खत्म। तो यहाँ लिखिए बहुलक बराबर ठीक है ये 3 गुणे माध्यक और माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है ठीक है। 3 2 अंक है, 2 से गुणा, 3 अंक 3 से गुणा, खत्म। ठीक ट्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप जो है चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये समझ में आ गया होगा, इसमें क्या समय गवाना। ये देखिए त्रिभुज एबीसी और व एडी अच्छा कोण है, कोण एबीसी व एडीसी का क्या अनुपात है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एबीसी व एडीसी का क्या अनुपात है ये पूछा जा रहा है। देख पा रहे हैं एबीसी कहाँ है, वाह क्या गर्मी है। ए बी सी देख पा रहे हैं, ए बी सी ये 30 अंश है और ए डी सी कहाँ है, ये वाला ए डी सी जो है, ए डी सी ए ओ सी होगा है ना, ए बी सी ये डी होगा। तो अनुपात पूछा जा रहा है ए बी सी, देखिए ए बी सी, अभी देखिए हमने पिछला वीडियो जो बताया था त्रिभुज वाला, एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही देखिए वही क्वेश्चन आ गया है ना, हमने बताया था कि एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा उसमें से, हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 13 प्रश्न, उसमें से एक ये वाला ठीक है। चलिए बहुत कम वीडियो बनाए हैं, बहुत कम पढ़ाए हैं, लेकिन उसी में से आएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उतना पढ़ो जितने से काम हमारा हो जाए ठीक है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बड़े कोण का दोगुना होता है, तो पहले देखिए ये बी वाला है, ये केंद्र बना कोण है, तो एक अनुपात है दो यही अनुपात हो जाएगा ठीक है, कर पाते दो यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए फिर से रिवाइज कर लीजिए कि किसी वृत्तखंड द्वारा ये जो केंद्र पर बना कोण होता है परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है ना, तो पहले ये वाला कह रहे हैं बाद में ये वाला कह रहे हैं, तो ये एक होगा तो ये दो होगा, हमने समझाया था ऐसे ही, ये दो होगा तो ये कितना होगा, 4 होगा, ये 12 होगा तो ये 24 होगा, दोगुना होगा, एक अनुपात दो का अनुपात होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताना है, क्या बताना, समांतर माध्य। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का योग पहले निकालेंगे हम लोग है ना, और बटे 20 कर देंगे, तो 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, अभी हमने बताया कौन सा फार्मूला लगेगा, यस एन इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है। 1 से पहली संख्या क्या बन जाएगी, 1, सर्वांतर अंतर कितने का आएगा, 1 का, और 20 तक की संख्याएं हैं तो यन का मान 20 हो जाएगा, यहीं रख दीजिए, तो ये आपका आ गया 20/2 और 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 20 - 1 हम 19 लिख दे रहे हैं, गुड़े डी का मान 1 ठीक, तो ये काट दीजिए आ गया 10, तो 10 × ये बनेगा कितना, 19 × 2 = 21। हाय क्या गर्मी, वाह वाह, अच्छा ये तो प्लस है जी, ये 19, तो 19 × 2 = 21, यही देखिए 200 कितना आ गया, 210। ये पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है ना समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर पदों का योग कितना आया, पदों का योग आ गया 210, 210 संख्या कितनी है, 20 है, ये काट दीजिए जो भी आना है आ जाएगा, 2 × 1 = 2 और 0 = 5 ठीक है ये। चलिए अगला देखते हैं। अब सेक ए ये वाला तो अभी लगाया था,
ये देखिए, किसी त्रिभुज में कोण सी बराबर इतना है तो तीनों कोण होंगे, तीनों कोण होंगे। चलिए तो तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें कि कोण ए, ये देखिए टू दो गुणे है ना, तो एक काम करिए कि दो से गुणा कर दीजिए सब में, है ना, तो दो गुणा करेंगे तो टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी बराबर 180 गुणे दो, ये भी हो जाएगा 360। अब यहाँ से देखिए टू ए, अच्छा टू ए टू बी का मान कितना है 3b, यहाँ लिख देंगे 3 कोण बी, और प्लस कोण सी की जगह हमको लिखना है कितना 3 कोण बी बराबर 360। ये सॉल्व कर लीजिए तो 3 × 6 = 9, 9 कोण बी बराबर 360। तो ये आपका आ गया कोण बी बराबर 360/9 = 36, तो कोण बी बराबर आपका आ गया 40। ठीक है, अब कोण बी आ गया 40, तो कोण सी कितना हो जाएगा 3 × b यानी 120। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो सी हो गया 120, ये हो गया 40, 160, 160 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए 20। ठीक है, ए बी सी के मान ये हो गए। चलिए अगला देखते हैं, अब ये देखिए इतना तो ये रेखाएं हैं, देखिए रेखाओं के लिए आपको याद रखना है कि देखिए दो रेखाएं A1x ये A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरी रेखा A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 अगर है। ठीक है, तो इनमें अनुपात देखिए क्या होता है कि तीन कंडीशन होता है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देंगी, प्रतिच्छेदित कर देंगी तो कितना जितने बिंदु पर मिलेंगे उतने हल होते हैं, यानी एक हल होगा, है ना, एक हल होगा तो क्या होगा A1/A2 ≠ B1/B2 होता है। ठीक है, और जब दोनों रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं, जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल नहीं होता, क्या होता है कोई हल नहीं होता, और ऐसे में क्या होता है A1/A2 = B1/B2 बट ≠ C1/C2 होता है। तीसरा कंडीशन एक दूसरे के संपाती होती हैं तो अनेक हल होता है और ये तीनों सब बराबर होते हैं, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो इसके आधार पर यहाँ अनुपात निकालिए, देखिए A1 का मतलब एक, यहाँ कितना है A1 का मतलब 1/4, अब फिर बराबर करके देखिए 3/-1, यही बराबर नहीं मिल रहा है, ये दोनों बराबर नहीं मिल रहा है ना, तो एक हल होगा। ठीक है, ये रेखाएं क्या होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, मतलब कितने बिंदु पर मिल रही हैं एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो कितने हल होंगे इसके एक हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व करते हैं इसके बाद हम, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक तार की त्रिज्या को घटा करके 1/3 कर दिया जाता है, एक तार की त्रिज्या को घटा करके 1/3 कर दिया जाता है, तो उसका आयतन जो है वो कितना होगा, तो इसका आयतन, अच्छा 1/3 कर दिया जाता है और उसका आयतन समान होता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, चलिए देखिए क्या करें, तार की त्रिज्या घटाकर, तो चलिए मान लेते हैं पहले तार की त्रिज्या क्या माने, R1 = R, H1 = H है। ठीक है, तो आयतन कितना होगा π r² h1 यानी π r² h। ठीक है, पहले आयतन इतना हो गया और बाद में आयतन कितना होगा, जो भी आयतन होगा वो बराबर कह रहे हैं तो हम कर दे रहे हैं बराबर। ठीक है, पहले ऊंचाई मान ले रहे हैं h, तो त्रिज्या जो है घटा करके कितनी कर दी गई है 1/3 यानी R/3 कर दिए, दोनों आयतन हम बराबर कर दे रहे हैं, तो ऊंचाई कितनी हो जा रही है, ये लंबाई कितनी हो जा रही है h कर जा रही है, तो ये पाई पाई पहले तो काट दीजिए, R² h बराबर इधर आ गया R² H/9। ठीक है,
ठीक है, तो आर स्क्वायर आपका कट गया, तो यच बराबर कितना हो गया 9 स्मॉल h, यानी पहले ऊंचाई यच थी, बाद में ऊंचाई कितनी हो गई 9 h, यानी 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा ना, बिल्कुल समझ में आ गया, नहीं आया बैक करके समझ लीजिए, हम जो है एक भी स्टेप छोड़ नहीं रहे, अच्छे से क्रम से समझा के बता रहे हैं ना। चलिए, तो ध्यान से यदि आप देखेंगे, केवल देखेंगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से। देखिए क्या कह रहे हैं, इतना के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसमें मूलों का योग और गुणनफल निकालना है, निकाल लेंगे ना। मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी अपान ए, बी अपान ए मतलब माइनस लगाइए, बी का मान कितना है माइनस 12 और बटे ए का मान 7, तो ये आ गया 12/7। और फिर गुणनफल निकालना है, तो मूलों का गुणनफल जो है वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये होता सी अपान ए, तो सी का मान यानी कांस्टेंट पद 15 और ए का मान 7, तो 15/7 हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न, अब जो है मैथ का काम तमाम हो गया, अब फिजिक्स में देखते हैं। गति की एसआई इकाई क्या है, गति यानी वेग, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे चाल, बराबर होता है दूरी बटे समय, और यदि विस्थापन कहेंगे, वेग कहेंगे, तो ये वेग बराबर आपका हो जाएगा विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन के लिए एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है, और ये जो है दूरी पूरी लंबाई, हर पूरी लंबाई होती है, तो इकाई क्या होगी भैया, लंबाई का मात्रक क्या बनेगा मीटर, या साई मात्रक दूरी का क्या होता है, दूरी का मात्रक या साई मात्रक होता है मीटर, और बटे समय का मात्रक होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड कहाँ है, ये वाला सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है क्या कि एक किग्रा द्रव्यमान का के पिंड द्वारा पृथ्वी पर निम्न बल आकर्षित होता है। देखिए इसमें क्या, देखिए ये प्रश्न हमने डिक्टो, यही प्रश्न जो है हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले में सॉल्व किया था, बिल्कुल यही था, है ना। द्रव्यमान यम देखिए 1 किलोग्राम, जी का मान 9.8 m/s². ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहे हैं भाई, लगने वाला बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान 1, त्वरण 9.8, गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा 9.8 क्या मात्रक न्यूटन, यही वाला सही हो जाएगा। देखिए यही प्रश्न आया है, बिल्कुल 2 दिन पहले हमने यही सॉल्व किया था, बिल्कुल यही आया, तो जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के जाएंगे, बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए अगला देखते हैं। अब ये प्रश्न, चुंबकीय धाराएं निकलती हैं, देखिए चुंबकीय धाराएं निकलती हैं दक्षिणी ध्रुव से, याद रखिए चुंबकीय धाराएं किधर निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव से। अगला देखिए, कह रहे हैं कि कौन कौन एक फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। ठीक है, एक फोकस दूरी वाले, देखिए एक फोकस दूरी यानी f का मान 1 है, चलिए 1 मीटर समझ लीजिए, है ना 1 मीटर, अच्छा मीटर अब इसमें कुछ दिया नहीं है, तो यदि मीटर में दिया होता जो है हमको शायद लिखने में जो है कंफ्यूजिंग गलती हो गई है, वो जो क्वेश्चन भेजे हैं उसमें जो है स्पष्ट नहीं था कि 1 मीटर है 1 सेंटीमीटर, यदि मीटर है तो पी बराबर होता है 1/f, यानी 1/1 करेंगे तो 1 डायोप्टर आएगा, कितना आएगा 1 डायोप्टर आएगा। ठीक है, और यही सेंटीमीटर में अगर होता तो 100/f हो जाता, 100/f यानी 100/f यानी 100 डायोप्टर, है ना, f का मान 100 डायोप्टर। ठीक, तो 1 डायोप्टर हम लगा के चल रहे हैं, ये मानते हैं मीटर में दिया हुआ है। ठीक, चलिए बात समझ में आई क्या, हमने कहा कि यदि फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f होता है, यदि सेंटीमीटर में है तो 100/f होता है पी बराबर। ठीक है, चलिए इसको जो है कई बार हमने रिवाइज कराया है। कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है, ये बताइए भाई कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या Cl, ये क्या होते हैं प्रबल अम्ल, है ना, H2SO4, HCl, HNO3, यही तो है ना प्रबल अम्ल, ये सब, तो HCl इसमें दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब किसी तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है यदि तार द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा, देखिए तो B बराबर क्या होता है,
इसी तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। तो तार द्वारा, तार में प्रवाहित धारा, तो बी बराबर हम लोग पढ़े ना म्यू नाट अपान 4πIdl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई इसमें ऊपर है, यानी धारा जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उतनी अधिक होगी, है ना। तो तार में प्रवाहित धारा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बढ़ रही है तो धारा भी बढ़ जाएगी, है ना, धारा भी अधिक प्रवाहित करनी होगी, धारा बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए क्या करें हैं, दिए गए विकल्पों में अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, अधिकतम विशिष्ट ऊष्मा होती है चांदी की। अगला प्रश्न, किसी पिंड पर लगाया गया बल उसके विपरीत दिशा में विस्थापित करता है, किसी पिंड पर लगाया गया बल, देखिए किसी पिंड पर जब बल लगाते हैं, बल हमने इधर लगाया, विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है, ठीक है। तो लगाए गए बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य, देखिए यदि विस्थापन धनात्मक होगा, है ना, देखिए यदि किसी पर धक्का लगा रहे हैं वो उधर जा रही तो कार्य होगा, नहीं जा रही कार्य शून्य होगा, विपरीत दिशा में आ रही तो कार्य ऋणात्मक होगा, समझे क्या। देखिए ये दीवार है, इस पर हम धकेलेंगे नहीं जाएगी, कार्य नहीं हुआ, ठीक है, कार्य नहीं हुआ। यदि विस्थापित हो गया, उधर की तरफ गया, जितना ज़्यादा विस्थापन उतना ज़्यादा कार्य, यदि विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है तो कार्य ऋणात्मक होगा भाई, नकारात्मक होगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ये वाला नकारात्मक होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा भैया, कौन वाला, डी वाला ऑप्शन, बाबा क्या बात, ऐसे लगाएंगे अब की बार ना, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखते हैं भाई, सबसे हल्का तत्व तो कौन सा है, सबसे हल्का तत्व तो कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व तो है भाई, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, तो चलिए अब ऐसा करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे छोटे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे कि हम जो है इन प्रश्नों को फटाफट जो है क्विक रिवीजन करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कितने प्रश्नों को कितनी देर में हम लोग सॉल्व करवाते हैं। जैसे ये सबसे हल्का तत्व तो कौन सा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व तो है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, यानी चौथा सही होगा इसमें। अगला इसके बाद है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो ये बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकट है, यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए किसी की प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, देखिए सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल रंग का, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, हमने बताया ना कि लाल रंग की चाल और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, बाकी सब चीज़ें कम होती हैं लाल रंग की, याद रखिए, और इसके अलावा तरंग दैर्ध्य और चाल के अलावा सब चीज़ें बैगनी रंग की अधिक होती हैं। अगला प्रश्न इसमें क्विक रिवीजन में अगला प्रश्न है कि एक निश्चित समयांतराल में तय की गई पथ की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, देखिए एकांक समय में चली गई दूरी जो है वो क्या होती है, वेग, देखिए दूरी क्या, एक निश्चित दिशा में कह रहे हैं तो वो विस्थापन ही होगा, है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वेग वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब जो है अगले वीडियो में हम 2024 में यानी कल 14 तारीख को जो भी आया था उसको अभी एक घंटे बाद आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।